जो महर्षि दयानंद की स्मृति में बना है, उसके 200वें जन्मदिवस के अवसर पर जी पूरे देशभर में यद्यपि ये कार्यक्रम हो रहे हैं, परंतु अस्मिता भारत सरकार की एक योजना थी जिसके अंतर्गत महिलाओं को खेलों में आगे आने का प्रोत्साहन देने के लिए एक वुमेन लीग स्टार्ट की गई। उसमें योगासन की प्रतियोगिताएं जो 4 जोन में हुई थी, उनका समापन राष्ट्रीय स्तर के एक कार्यक्रम में यहाँ होना हमने तय किया, जो 8, 9, 10 तीन दिन तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से आरंभ होकर 10 तारीख को वो सम्पन्न हुआ है। और 11 तारीख से 13 तारीख तक एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो योगासन भारत की, और उसमें भी केवल महिलाओं के लिए ये प्रतियोगिता यहाँ हो रही है। इसका जो दूसरा परिप्रेक्ष्य है, जो पुरुषों की चौथे नंबर की हमारे चौथे वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता वो तमिलनाडु में होगी, इसमें लगभग 230 छात्र छात्राएं 10 वर्ष की आयु वर्ग से लेकर 55 वर्ष की आयु वर्ग तक की भागीदारी कर रही हैं, और इसमें 28 राज्यों की भागीदारी हो रही है। इसमें पुलिस में स्थानीय उत्तर प्रदेश पुलिस बल भी है, SSB सीमा सुरक्षा बल भी है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी एथलीट योगासन पैरामिलिट्री के लोग भी यहाँ पे आ रहे भागीदारी कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, जैसे अभी योगा है, योगा योग जो शब्द है वो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग के रूप में उसके 8 अंगों की विवेचना की है। उसके एक अंग अर्थात आसनों में प्रतियोगिता का विधान परमश्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जो हमारे माननीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने इसको एक खेल प्रतियोगिता का भी दर्जा दे दिया है। पिछले 3 वर्षों से भारत सरकार की मान्यता प्राप्त यह संस्थान लगातार इसके कार्यक्रम उसके राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। योगा जो संस्कृति रही, मूलतः मैं यदि यूं कहूं कि योग हर समस्या का समाधान है या। और आज पूरे विश्व में आर्थिक और भौतिक चकाचौंध के बीच में लोग अपनी शांति को खोते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसका समाधान केवल और केवल मात्र योग में है, और योगासन योग की ओर आकृष्ट करने का एक माध्यम है। पूरे विश्व में यदि 7 अरब की जनता है, उसमें से 3.5 अरब की जनता युवा है। बिल्कुल। और उस 3.5 अरब की जनता को योग से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगासन को खेल के रूप में परिणत किया है, ताकि 8 साल का बच्चा भी खेल में अग्रसर हो सके और एक मेडल के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए बचपन से ही वो, आज आप देखेंगे जो खिलाड़ी हैं, आप देखेंगे दांत उतने उंगली दबा लेंगे जब इनकी आप परफॉर्मेंस देखेंगे। जी, जी। और ये बच्चे 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पूर्व जमाने में हमारे योगी क्या करते थे, 6-6, 8-8 घंटे योग किया करते थे, वैसा अभ्यास इनका है। हमारे यहाँ तो योग को कहा गया है अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन्निरोधा, योग अभ्यास और वैराग्य के ऊपर टिकी हुई एक संस्था है। इसमें अभ्यास तो इन बच्चों में आ गया, समय रहते रहते इनके अंदर वैराग्य भी आएगा और ये बहुत अच्छे योगी भी बनेंगे। इस भाव को लेकर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परसों में एक बच्चे का, मैं इतना कहना चाहूँगा कि योग से बीमार व्यक्ति, बीमारी अलग होना ये तो बहुत छोटी बात है जी। योग से तो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और इसमें युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो भगवान राम के दूत हनुमान जी हैं जी। हनुमान जी को आप योग का सही मायने में परिचायक कह सकते हैं, उनको ध्वजवाहक कह सकते हैं। हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो ये अष्ट सिद्धियां योग में वर्णित हैं जी। योग में जो व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य प्राप्त कर लेता है, उसे फिर 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसमें अनिमा, लंघिमा, इस प्रकार की सब सिद्धियां हैं, जहां व्यक्ति अपने आप को बहुत सूक्ष्म कर सकता है, बहुत विराट कर सकता है, और वो सारी सिद्धियां हनुमान जी ने करके दिखाई हैं। तो आज का युवा योग का केवल बहुत सामान्य ज्ञान रखता है, परंतु इसका जो विशिद ज्ञान है वो हमारी ऋषि संस्कृति में है। और योग मूलतः एक आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का एक मार्ग है, और ये बहुत लंबा मार्ग है, और इसमें बहुत लंबे कालखंड तक सेवा करने के बाद ही व्यक्ति उस तक पहुंचता है, परंतु शुरुआत युवा काल में हो जाए इसके लिए योगासन खेल को स्थापित किया गया है। इस नाते यहाँ इस उत्तर प्रदेश की पावन धरा में अमरोहा में
एक कार्यक्रम हो रहा है, मैं इसके लिए आचार्य सुमेधा जी का, हमारे भाई रोहित जी का हृदय से आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि हमारी उत्तर प्रदेश योगासन समिति ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और श्रीमद् दयानंद कन्या गुरुकुल ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में